वहीं हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम मोदी के वारिस कौन है, आप है देशवासी, आप ही मेरा परिवार है, इस दुनिया में आप लोगों के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक अभिभावक की तरह है जो परिवार बच्चों के लिए कुछ छोड़ना चाहता है, मैं भी उस परिवार के बच्चों के हाथों में एक विकसित भारत देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ टीएमसी और अन्य पार्टियां देश के लोगों को लूट रही हैं और बंगाल बना रही हैं, बंगले बना रही हैं और उनके उत्तराधिकारियों के लिए हवेलियां। अगर वो अपने वारिसों के लिए बना रहे हैं तो मैं भी तो मेरे वारिसों के लिए बना रहा हूं, और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। विकसित भारत उनके हाथ में देकर के जाना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को देखिए और पार्टियों को देखिए, वो सारे के सारे लोग देश की जनता को, आपको लूटने में ही लगे हैं। ये अपने वारिसों के लिए बंगले बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, तो मोदी भी तो कम नहीं है। अगर वो अपने वारिस के लिए बना रहे हैं तो मैं भी तो मेरे वारिस के लिए बना रहा हूं।